Ladies and gentlemen, please welcome this year's award winner to the stage, Prime Minister Narendra Modi. Mrs. and Mr. Gates, Excellencies, friends, आप सभी ने जो सम्मान दिया है, my heartfelt gratefulness to all of you for this honor that has just been bestowed on me. This honor is not only for me, but for the millions of Indians who not only helped to fulfill the pledge of a Swachh Bharat or Clean India, but who also made it a part of their daily lives. Bill or Melinda Gates receiving this award from the Bill and Melinda Gates Foundation is very special for me for two other reasons. Swachh Bharat Mission mein ye foundation एक अहम भागीदार के तौर पर भारत के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहा है. दूसरा, बिल और मेलिंडा गेट्स जिस तरह व्यक्तिगत जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त करने के बाद अब सामाजिक जीवन में अपना योगदान दे रहे हैं, उसे मैं बहुत प्रशंसा की दृष्टि से देखता हूं. साथियों, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर मुझे अवार्ड दिया जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है. ये इस बात का प्रमाण है कि अगर 130 करोड़ लोगों की जनशक्ति किसी एक संकल्प को पूरा करने में जुट जाए तो किसी भी चुनौती पर जीत हासिल की जा सकती है. मुझे याद है कि जब 5 साल पहले मैंने स्वच्छ भारत का जिक्र किया था तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी, लेकिन जब एक लक्ष्य को लेकर, एक मकसद को लेकर काम किया जाता है, अपने काम के लिए प्रतिबद्धता होती है, तो ऐसी बातें मायने नहीं रखती. मेरे लिए मायने रखता है 130 करोड़ भारतीयों का अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए एकजुट हो जाना. मेरे लिए मायने रखता है 130 करोड़ भारतीयों में स्वच्छता के लिए एक सोच विकसित होना. मेरे लिए मायने रखता है 130 करोड़ भारतीयों का हर वो प्रयास जो उन्होंने स्वच्छ भारत के लिए किया है, और इसलिए मैं ये सम्मान उन भारतीयों को समर्पित करता हूं जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन में बदला, जिन्होंने स्वच्छता को अपनी दैनिक जिंदगी में सर्वोच्च प्राथमिकता देनी शुरू की. आज मुझे वो बुजुर्ग महिला याद आ रही है जिसने गांव में शौचालय बनाने के लिए अपनी बकरियां बेची. आज मुझे वो रिटायर्ड शिक्षक याद आ रहे हैं जिन्होंने शौचालयों के निर्माण के लिए अपनी पूरी पेंशन दान कर दी. आज मुझे वो महिला याद आ रही हैं
जिसने घर में शौचालय बनाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया। भाइयों और बहनों, हाल फिलहाल मैं किसी देश में ऐसा अभियान सुनने और देखने को हमने नहीं मिला है। ये अभियान शुरू भले ही हमारी सरकार ने किया था, लेकिन इसकी कमान जनता जनार्दन ने खुद अपने हाथों में ले ली थी। इसी का नतीजा था कि बीते 5 साल में देश में रिकॉर्ड 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया जा सका। इसी का नतीजा है कि 2014 से पहले जहां ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था, आज वो बढ़कर करीब करीब 100% पहुंच रहा है। सोचिए, आजादी के बाद 70 साल में 40% से कम और 5 साल में लगभग 100%। लेकिन मैं मानता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता किसी भी आंकड़े से ऊपर है। इस मिशन ने अगर सबसे ज्यादा लाभ किसी को पहुंचाया है तो वो देश के गरीब को, देश की महिलाओं को। जो साधन संपन्न है उनके लिए घरों में दो दो तीन तीन शौचालय बनवाना भी बहुत साधारण बात है, लेकिन शौचालय न होने का मतलब क्या होता था इसे वो भली भांति जानता था जो इस सुविधा से वंचित था, खासकर महिलाओं को, बेटियों बहनों के लिए तो शौचालय न होना उनके जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक था। ये उनकी गरिमा, उनकी इज्जत के खिलाफ था। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि सारी स्थिति जानने के बावजूद ये सोच ही नहीं थी कि घर में शौचालय का निर्माण कितना अहम है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सुबह से लेकर पूरे दिन महिलाएं शाम होने का, अंधेरा होने का इंतजार करती थी। खुले में शौच से होने वाली बीमारियों के साथ ही ये इंतजार उन्हें और बीमारियों की तरफ धकेल देता था।